भारत देश में स्थित एक अनोखा जिला जो दो राज्यों में अपनी पकड़ बनाए हुए है, दो राज्यों का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जिले की, जिसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में और कुछ मध्य प्रदेश में आता है। इसके साथ ही ये जिला इसलिए चित्रकूट कहा जाता है कि चित्रकूट का मतलब होता है चित्रों का पर्वत। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक पवित्र शहर है। ये शहर कोई आम शहर नहीं है, ये हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण से बड़े ही गहराई से अटूट रिश्ता बांधे हुए। भगवान राम सीता लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान चित्रकूट के घने जंगलों में शरण ली थी। वो कहा जाता है ना कि चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ये गाना आपने जरूर सुना होगा यदि आप चित्रकूट में रहे हैं या गए हैं। मित्रों, शांति का स्थान कहा जाता है चित्रकूट में। शांत सुंदर जंगलों में आपको जिस सुख की प्राप्ति होगी शायद ही विश्व के किसी कोने में। भारत का आगमन भी हुआ था यहाँ पर। भगवान राम के छोटे भाई भरत चित्रकूट आए थे और उन्होंने राम को अयोध्या ले जाने के लिए राजी करने का प्रयास भी किया था। राम ने यही इनकार भी किया था कि वो अयोध्या नहीं जाएं। भरत उनकी चरण पादुका को यहीं से उठा ले गए और सिंहासन पर जा रखा था। यहीं पर कहा जाता है कि एक कथा के अनुसार तुलसीदास को हनुमान और भगवान राम के दर्शन भी हुए थे। कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्तों। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जो कि अपने में कई इतिहास समाये हुए है। चित्रकूट जिला 1998 में 4 सितंबर को बनाया गया था। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में आता है। यहाँ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जनपद से लगता है और इसी वजह से शायद इसे चित्रकूट कहा भी जाता है। मित्रों, अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए बड़ी भव्य जगहें हैं जहां पर घूमने के लिए आप को आना बहुत ही जरूरी बनता है। यहां पर आपको घूमने के लिए सती अनसुया आश्रम, स्पर्शशिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, कामदगिरी, रामघाट देखने को मिलेगा जो कि एक से बढ़कर एक भव्य स्थान है जहां पर आप दर्शन अगर करते हैं तो आप के मन को स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त होगी। यहां अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो यहां के प्रसिद्ध व्यंजनों का मजा भी उठा सकते हैं, जिसमें लिट्टी चोखा, दही बल्ले, पकौड़े, कढ़ी चावल, पराठे आते हैं। यहाँ पर आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट स्ट्रीट फूड आइटम मिल जाएंगे जो आपका दिन बना देंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पर आप आते तो ऐसी कई चीजों को आप देखेंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। यहाँ गणेश बाग भी एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सुंदर है। तिहार और मेले भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दीपावली में कुछ खास ही माहौल बना होता है। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ के बारे में अगर कुछ खास बात की जाए तो अब बात करते हैं यहाँ के सेंसस की, जिसमें शामिल है यहाँ की जनसंख्या। यहाँ की जनसंख्या 991,730 है। साक्षरता 66.52% है और लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 869 महिलाएं शामिल हैं। चित्रकूट एक अद्वितीय धार्मिक स्थान है। यहाँ कई पवित्र स्थल हैं जिसमें रामघाट, कामदगिरी, हनुमान धारा, गुप्त गोदावरी, स्पर्शिला, सती अनसुईया
आश्रम शामिल है और इसमें से आप किसी भी एक जगह पर जाना मिस कर देंगे तो बड़ा पछताएंगे, इसलिए यहाँ एक बार जाना तो बनता ही है प्यारे दोस्तों।